गुड मॉर्निंग बच्चों, क्वेश्चन 1 और 2 ठीक है, जो मैंने पूरा वीडियो भेजा था, दैट इज इनवर्ट। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा खराब है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन 1 का 3/2, द सीरीज इज गिवन एज 3/2, 1/2 माइनस 1/2। इसमें हमको देखना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैंने आज बताया आपको फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। फर्स्ट टर्म इज 3/2, कॉमन डिफरेंस आप देखिए 1/2 माइनस 3/2 आप निकालेंगे, बेस सेम है, 1 - 3 दैट इज -2/2, 1 दैट इज -1। तो जिस ऑप्शन में 3/2 और -1 है, दैट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड में आते हैं, ठीक है, आपको देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। इफ द फर्स्ट टर्म इज -2, ए इज -2, बी इज ऑल्सो -2, ठीक है, देन फोर्थ टर्म। सो फॉर्मूला, एंथ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एंथ टर्म के लिए ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, सो ए फोर इक्वल टू, ए हमारे पास है -2 प्लस एन माइनस वन, फोर इंटू -2 करेंगे -2 प्लस 3 - 2 3 - 2 देट इज -6 और -2। तो जिस ऑप्शन में -8 होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। थर्ड, 15th टर्म इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7, 13, 19 ए हो गया 7, बी निकालने का तरीका होता है 13 - 7 या 19 - 13 इज इक्वल टू 6। विच टर्म? 15th टर्म, एन का वैल्यू यहाँ पे है 15, ठीक है। सो फॉर्मूला लिखेंगे, एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए 15 इक्वल टू, ए हमारे पास 7 है, 15 - 1 इंटू डी हमारे पास 6 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 7 + 14 × 6 14 × 6 = 84 + 7 दैट इज 91। ओके, फोर्थ में आते हैं, फोर्थ इज व्हाट, फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस -4, देन nth टर्म। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला सीधे से आप लगाएंगे, ए nth टर्म का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया 4 प्लस 2 - 4 4 + -4n + 4 कितना जाएगा 8 - 4n, तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो ये इजी है, क्लियर कट है, बहुत कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन इसका, फिफ्थ क्वेश्चन इसलिए फर्स्ट का फिफ्थ 78 इज विच टर्म, ठीक है। पहले सीरीज लिखते थे 3, 8, 13, तो इसमें 78 को एक टर्म होगा, तो 78 कौन सा टर्म, nth टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो ए इक्वल टू 78, ए इक्वल टू 3, एन हमको निकालना है, डी भी निकालना है, तो डी कैसे निकालते हैं, 8 - 3 13 - 8 दैट इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपका वैल्यू हो गया। अब इसमें करेंगे फॉर्मूले में nth टर्म का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, हर बार आपको फॉर्मूला रखना है, nth टर्म हमारा 78 है, ए है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5, सॉल्व करेंगे 3 प्लस ये इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, 78 - 3 और टू एन माइनस वन इंटू 5 दिस इज 75, एन माइनस वन इंटू 5, 5 से ले जाके डिवाइड करते हैं, 75/5 एन माइनस वन, ठीक है, कितना होगा 15, एन माइनस वन इक्वल टू 15, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 1, 15 प्लस 1 दैट इज 16, ठीक है। इस पैटर्न से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 2, ठीक है,
क्वेश्चन टू में आप क्या करेंगे बता दे रहा हूँ मैं। सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से एपी है, तो आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट है ए, ए स्क्वायर, ए क्यू, इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें से आप ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे तो कॉमन डिफरेंस वो आएगा नहीं, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर तो इक्वल हो ही नहीं सकता। सो नॉट एन एपी बिकॉज देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पे, डिफरेंस तो है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ए माइनस वन, ए स्क्वायर ए माइनस वन, इस तरह से ही ऐसा हो गया है, ठीक है। लेकिन ये बस तो सेम आ रहा है लेकिन ये अलग अलग आ रहा है सामने जो प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो ए था फर्स्ट वाला, बी रूट टू रूट एट, इसको भी आपको देख के लग रहा होगा ये तो नहीं होगा सर बताएंगे, है ना, 18 32, बट दिस इज एन एपी, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाइड 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 into 2, 18 को 9 into 2, 16 into 2, 2 को 1 into 2, ठीक है। इसमें तो देखो 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का 3, 16 का 4, तो ये जा रहा है ना 1 2 3 4, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √2, √2, √2, √2, एंड सो ऑन, ठीक है। मैं इसके स्क्वायर रूट लेते हैं, ये √2 आएगा, ये 3 आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों को माइनस करते हैं आप तो √2 माइनस ये आपका √2 ही आएगा, इसको भी इसको माइनस करोगे 3 माइनस 2, फिर से 1 √2, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, सो इट इज एन एपी, ठीक। इस तरह से 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 0 माइनस 4 माइनस 8 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है डी में, तो ये तो होगा -4 -0 पर -4 डी आए, डी -4 आ जाएगा। इसमें करेंगे 16 18 एंड हाफ 20 एंड हाफ, पहले तो 2 एंड हाफ है डिफरेंस कॉमनली देख सकते हैं, फिर 2 है, फिर 3 है, बढ़ते जा रहा है ना, पहले 2 एंड हाफ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गया, मतलब कम ज़्यादा हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज़ नॉट एन एपी। सीधे से आप बोल सकते हैं देर इज़ नो कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, मीन्स ये एपी नहीं है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 और 2 को कर लीजिएगा, ठीक है। आप काफ़ी मैंने बता दिया आपको, और 10 और 12 मैंने आज शेयर कर दिया है, शेयर कर दूँगा आपको इसके बाद कंप्लीट करें, थैंक यू।